Don't miss your favorite tunes, latest video updates. Just tap on the subscribe button. Ring the bell icon to get the instant updates. सुन रहा हूँ, वो डाकू शेर सिंह पूरी की पूरी नदी बंद करके बैठ गया। डाकू शेर सिंह तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब पगड़ी नगर के भविष्य के लिए मैंने कुछ अलग ही सोचना होगा। अरे पापा जी, मैंने एक चंगा इलाज पता है इन शेर सिंह जैसे बदमाशों का। कौन है वो? आप जानते हैं उसे? अरे अपना भीम। हाँ, अपना भीम। मैं भी ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को चिट्ठी लिखता हूँ। वाह मन्नू मेरे दोस्त, वाह 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 वाह, 10 में से 7 तीर निशाने पे, 7। ये टिंगू लालपुर में मेरे बहुत काम आ सकता है। कल ढोलकपुर का वो राजू बोटकपुर के सामने अपनी हार मानेगा, 10 में 7। याद रहे मन्नू, बोटकपुर की हार नहीं होनी चाहिए। कल भी 10 में 7, पूरे 7। राजू, तुम्हारा निशाना कभी गलत नहीं होता। कल बोटकपुर की हार पक्की, 10 में 10। भीम, तुम तो जल्दी आ गए। महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। भीम, तुम्हें राजा हरदयाल याद हैं? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे? जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। महाराज, महाराज, शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। ललन,
हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। और ये क्या, पड़ी नगर का राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए? शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना। वरना क्या? वरना हम तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो अब, क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। खेल ये होगा कि अगर तुम मुझे 3 मुकाबलों में हरा दोगे तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और नदी तुम्हारी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? पहले तुम में से कोई 2 मुकाबला करेंगे मेरे 2 आदमियों का। तुम्हें मेरे आदमियों से ज्यादा पराठे खाने होंगे। हैं? ये क्या बात हुई? मैं जाऊंगा, पराठे तो मैं यूं ही खा जाता हूँ। खाओ कालिया, सारे खाने हैं। क्या बात है चुटकी, कालिया के लिए? तो बताओ कौन जीता? सरदार, ये बच्चे जीत गए। हैं? कैसे? ठीक, अब दूसरा मुकाबला। तुम बच्चों ने मेरे आदमियों को बांगड़े में हराना है। ललन, ये भांगड़ा तो हमें ढंग से नहीं आता है। ओए चिंता नहीं भीम, पंजाबी ढोल सुनोगे ना तो खुद ही भांगड़ा करने लगोगे। ओए शुरू करो, चलो। ठीक है, चलो तुम इस बार भी जीत गए। अब तुम्हें जीतना होगा कुश्ती का मुकाबला। सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। क्यों, अब तो मैंने नदी खोल दी है, अब तो मैं सच्चा पंजाबी हूँ कि मैं झूठ बोल लिया? कोई ना भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। अब ते रहना भीम। चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, मैं तुम सबको याद रखूंगा। हम्म।
मुझे चाहिए एक वो, एक वो और एक ये। जरूर जरूर, जल्दी दीजिए। ये भी लाइए, ये लीजिए पैसे। अरे इतना सारा सामान इतने से पैसे में थोड़ी आएगा, कोई एक चीज ले लो बस। हाँ अच्छा, फिर ये रहने दीजिए यार, ये दे दीजिए। रुकिए रुकिए, ये नहीं वो वाला ले लेता हूँ। ये आप वापस ले लीजिए और मुझे वो दे दीजिए, वो वाला। क्या हुआ उस्ताद? कालिया उस्ताद, क्या आप कहीं गिर गए? मैं तो खुशी से चिल्लाया क्योंकि चिप्स के पैकेट में से ये लकी कूपन निकला है और एक आलीशान जगह पे लंबी छुट्टी पे जाना है। चलो जल्दी करो जल्दी, सब अपना अपना सामान बांध लो।